मैं आपको वादा करता हूं, आप एक बार जन समर्थन दे दीजिए, 2024 से पहले वीर जवान के कंधे पर रेजिमेंट नहीं लिखवा दी, अपने पीछे यादव लिखना छोड़ दूं। क्या बात करता हूं, क्या बात करता हूं, कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे को इतना धुतकारा गया, मेरे खिलाफ अभियान चला गए, लेकिन मैंने अपना नीचे अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, हाई रेजिमेंट को हर जवान तक ले आया। आज पूरे देश के सभी संगठन, सभी नेता और देश की सरकार भी हाई रेजिमेंट पर चर्चा कर रही है। जब राज्यसभा में हरनाथ यादव जी ने इसको उठाया, उससे पहले हमने मुलाकात की, आपको पता नहीं है, उसी टाइम अमित शाह ने रात को उसको बुला लिया। अमित शाह ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? उसने कहा, ये मेरी कौम की शहादत और बलिदान करना, और इससे बीजेपी को फायदा होगा। आप गलत सोचते हो, इस देश में अगर वोट की ताकत भी सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो यदुवंश के पास है। वो सबसे ज्यादा देश की रक्षा कोई करता है तो यदुवंश के पास है। आप गलत फहमी में हो। उसके बाद ये मुद्दा भागवत तक चला गया, ये हरनाथ जी के साथ मैंने बैठ के किया, ये मुद्दा पूरे आरएसएस से लेकर भाजपा तक हर की जबान पर आ चुका है। और जो बोर्ड से जुड़ चुका है, जो सदन में उठ सकता है, जो आरएसएस से बीजेपी तक पहुंच सकता है, वो मुद्दा कामयाब होगा होगा होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन एनसीआर की सरदारी जैसे नेताओं के लिए पैसा संख्या देती है, एक बार भगवान श्री कृष्ण के उस वीरों को, एक बार उस शहीद छत्रानी के वीर पुत्रों को, जिन्होंने 1857 से लेकर चाहे वो प्रथम विशुद्ध हो, द्वितीय विशुद्ध हो, चाहे वो 47 के अंदर 55 हीरो की, जिन्होंने पटगांव की पहाड़ी का यादव हिल लिखवा दिया, जो आज तक किसी जाति के नाम से नहीं है, हम सब जातियों को सम्मान करते हैं। 1962 जिसको रजंगला के नाम से जाना जाता था, हमने कहा जब उसको पेवर पेवर हीरो ने लड़ा, तो 4 साल से मैंने उसको यादव शौर्य दिवस के रूप में बनाना शुरू कर दिया, और ये 30 त्योहारों की तरह, होली दिवाली की तरह आज पूरे देश में बनाया जा रहा है। यादव शौर्य दिवस जब यादव ने वीरता साधा दी, तो उसको यादवों के नाम से जाना चाहिए, ताकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या देश की कोई भी जाति हो, सबका हम सम्मान करते हैं। यादव ही देश पर एक ऐसी कौम है जो हमेशा शोषित और वंचितों के लिए लड़ाई लड़ी, हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी, और जब लड़ने की बारी आई तो अपने भाई के खिलाफ ही लड़ी, लेकिन किसी और के खिलाफ नहीं लड़ी। ये इतिहास है हमारा, ये मुद्दा कर्म है। सिर्फ आप एक बार दिल्ली के रामलीला मैदान को भरने का काम कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप जनशक्ति का सहयोग दिल्ली के रामलीला मैदान में कर दोगे, वो दिन देश की हिटलर शाही हो या कोई भी सरकार हो, उसको हाई रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। ये सम्मान और रोजगार का मुद्दा है। रावजी सिंह जी भी लगातार कई साल में इनके साथ रहा, टीसी राव जी जानते हैं, 16 बार संसद का घेराव कर हमने गिरफ्तारी दी, 4 बार प्रभात भारती को घेरा, 8 फरवरी को प्रधानमंत्री को 20 मिनट ने निकल ले दिया, राव इंद्रजीत जी भी उस दिन वही थे, उनका ड्राइवर भी वही था, हमने उसको 20 मिनट ने निकल ले दिया। जो हाई रेजिमेंट की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। यादव जवान वीरों का एक ही नारा, कंधे पे नाम हो हमारा, क्या गलत है? राष्ट्र हेतु बलिदान होने के लिए जहां दुनिया आरक्षण राजनीति के लिए लड़ाई लड़ रही है, आरक्षण कर रही है, बसें जला रही है, बहन बेटियों की जरूरत है, आज भी एक